एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजी में। तो अभी क्या है कि आप लोगों को कैसे तैयारी कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों का अभी 27 जून को पेपर है, 28 जून को पेपर है, जो भी अभी पोस्टपोन होने वाला नहीं है पहली बात तो। और आप लोग अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, हमें पता है, ठीक है, हम इतना श्योरिटी के साथ, क्योंकि इतने सारे वीडियोस बता चुके हैं और आप लोग अगर कर रहे होगे तो बहुत ही बेटर है और बहुत ही अच्छी चीज है। आप लोग मॉक टेस्ट कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट अगर आपने शुरुआत अभी कर लिया है ना, तो आप पेपर में घबराओगे नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगा कि नहीं स्पीड नहीं आ पा रही या फिर दिक्कत नहीं हो पा रही। मॉक टेस्ट कर रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है, और जो भी क्वेश्चन आपके फंस रहे होंगे उनको आप लिख रहे होंगे, और लिखने के बाद में आप वो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में उसको रिविजन कर लीजिएगा, प्लीज 2 से 3 बार देख लीजिएगा, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। जितने आपने क्वेश्चन लगाए होंगे उनसे क्वेश्चन अगर आता है तो वो तो आपको पता ही है, जो क्वेश्चन फंस रहे होंगे अगर उनसे क्वेश्चन आता है तो आप लगा ले जाओगे, ये श्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना होगा और मॉक टेस्ट आप लोगों का हो गया होगा। अभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न भी देख लीजिएगा और इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स और ये इडियम्स फ्रेजेस जो भी है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कई बार आ चुके उनको देख लीजिए एक बार, और ये वर्ड पावर पूरी क्लियर कर लीजिएगा, ब्लैक जो तो ब्लैक बुक होती है उससे पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, हमें पता है आप लोग अभी रिवीजन कर रहे होंगे, तो रिवीजन में आप लोगों को क्या है कि 1 घंटे में 2 2 चीजें कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास में। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, क्योंकि अगर ये पेपर निकलता है तो आपकी किस्मत, जिंदगी सब कुछ चेंज होने वाली है, ऐसा समझ लो। 2 स्टार आ जाएंगे आपके इस पे शोल्डर पे, और जब 2 स्टार आते हैं तो फिर बात ही अलग होती है। तो पढ़ाई करते रहिए, यूनिफॉर्म आप पे बहुत ही अच्छी लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, मॉक टेस्ट आपने अगर कर लिया है अगर, तो फिर उसके बाद में सिलेबस में जो भी आपका जो टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा है अभी, तो उसको छोड़ दीजिए। आपको जो टॉपिक्स अभी आ रहे हैं उनको क्लियर करिए, बस हो गया, जितना टॉपिक आपको पढ़ना था पढ़ चुके हैं, बस रिविजन ही चाहिए, रिविजन ही चाहिए। समझ रहे हैं, 24 घंटे में है, 8 से 9 घंटे 10 घंटे आप दे ही रहे होंगे, 100% दे रहे होंगे, क्योंकि अब 10 से 12 दिन बचा हुआ है, और आप लोगों ने अभी अगर तैयारी नहीं कर रखी है, अभी अगर आप लोग 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। कम से कम अगर बताऊं तो 9 से 10 घंटे 11 घंटे पढ़ना जरूरी है, कितने टाइम एट द टाइम 9 से 10 घंटे आप पढ़िए आराम से, ठीक, तभी निकल पाएगा आपको, तभी प्री निकल पाएगा, तभी आपका मेंस में हो पाएगा। तो प्री में जितने ही अच्छे नंबर होंगे उतने ही चांसेस होंगे सीएसएफ एसआई में आने के, दिल्ली पुलिस एसआई में आने के। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी या फिर सीएसएफ एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 10 से 11 घंटे देने पड़ेंगे आपको, 12 घंटे देने पड़ेंगे। गर्मी है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अभी, ठीक है, आपको किताब खोल कर पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए, जो भी है उसको रिविजन करते रहिए, रिवाइज करिए, जो भी मैटर फंस रहा था उसको लिखे हैं आपने उसको रिविजन करिए, ठीक है। आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो इंग्लिश को देखिए, 2 से 3 घंटे इंग्लिश को दे दीजिए, 4 घंटे इंग्लिश को दे दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट जो भी आपने किए हैं अभी और जो अभी कर रहे हो आप, कम से कम 2 घंटे 2 मॉक टेस्ट तो अभी आप कर रहे होंगे और उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख रहे होंगे, मुझे पक्का पता है आप लोग कर रहे होंगे, आप इस तरीके से तैयारी कर चुके हैं, मैंने जिस हिसाब से गाइड किया था आपको, आप लोग अभी भी कर रहे होंगे। मैं बता रहा हूँ 20 तारीख के बाद आपको कुछ भी मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मॉक देने की जरूरत नहीं है, 20 तारीख के बाद में आप फुल रिवीजन, यानी कि जितना भी आपने सब कुछ किया है, जितना भी क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है, जितना भी आपके आपने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आपने अपनी बुक में, उसको सिर्फ और सिर्फ देखने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ देखने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको खाली एक नजर से सब देखना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सब सिलेबस 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। आपका जो पेपर है वो 28 से 29 तारीख, 27 28 तारीख को जो भी है आपका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड वही 19 20 तारीख तक कंप्लीट आ जाएगा, तो आप लोगों को उसमें पता भी चल जाएगा और एक होता है कि माइंडसेट भी हो जाएगा। जो एग्जाम के 2 दिन पहले आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अब भी मैं बता रहा हूँ, उसी के लिए मैं बता भी रहा हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसको रिवाइज जरूर करिए, चीजों को देखिए, सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। 10 घंटे 11 घंटे दीजिए, कंप्लीट दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, नंबर कुछ नंबर मैटर नहीं कर रहा है अभी, आपके 150 में कितना नंबर आ रहा है, आपको उसमें कितना नंबर आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, आपके 150 जा रहा है, 160 जा रहा है, 120 जा रहा है, 110 जा रहा है, ठीक है ना। मेन मैटर करेगा जब आप वहां पर पेपर दोगे ना, वहां पर मैटर करेगा कि आपका पेपर में आपका वहां पर कितना नंबर जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपका 110 115 100 या 110 जा रहा, कोई मैटर नहीं करता, आप जितना अच्छा, आप अगर अगर आपके 50 क्वेश्चन फंस रहे ना, उसको आपको 50 क्वेश्चन को देखना है और आपको लिखना है, वो इन फ्यूचर में जो आपका एग्जाम होगा उसमें नहीं फंसना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। ओके, बने रहिए, कमेंट करते रहिए और पूछते रहिएगा हमसे, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो पूछिए कमेंट करके, कि नहीं सर दिक्कत हो रही है यहाँ पे, आप गलत कह रहे हो, यहाँ पे दिक्कत हो रही है,
ठीक है ना, पूछिए जरूर कर, मैं बताऊंगा आप लोगों को कहां पे दिक्कत हो, किसको कैसे क्या सोल्यूशन उसका देना है। ओके ठीक है, जय हिंद।